यार, अगर आप मेरी वीडियोस को लंबे टाइम से देखते आ रहे हैं तो आपको ये अंदाजा होगा जरूर कि किसी भी क्राइम के पीछे एक मोटिव होता है, और कोई भी पुलिस वो पहले उसी मोटिव को ढूंढती है कि इस बंदे के ऊपर ये क्राइम क्यों किया गया, दूसरा फिर बंदे की पहचान ढूंढती है, तीसरा फिर उसका तरीका ढूंढती है, सबूत ढूंढती है कि किसने किया होगा, और चौथा फिर आरोपी को ढूंढती है। लेकिन आज जो केस मैं आपको बताने वाला हूं, और अगर आप उस केस के ऊपर मूवी भी बना दें तो भी जो उस मूवी को देखने वाले लोग आएंगे वो पूरी मूवी में यही ढूंढते रह जाएंगे कि क्यों, किस लिए किया, क्या रीजन था। जी हाँ, एक बहुत ही डरावना और दर्द भरा केस आज मैं आपको बताने वाला हूं। ये चीज सच में किसी भी बच्चे के लिए या फिर किसी भी परिवार के लिए एक बुरे सपने जैसा हो सकता है, और यहां ये बुरा सपना एक परिवार का सच हुआ। सब कुछ बताऊंगा आपको इस केस के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। और हाँ यार, आप पॉडकास्ट वाला चैनल क्यों नहीं देख रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा, वहां पर भी वीडियोस आ रही हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो प्लीज आप लोग वहां जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार वहां भी ऐसी ही वीडियोस आती हैं। मैं आपका वहां वेट कर रहा हूं। इस केस को समझने के लिए हमें अमेरिका के विस्कॉन्सिन में जाना पड़ेगा, और समय था सन 2018 का, और इसी विस्कॉन्सिन में रहने वाले जेक पैटरसन नाम के इस लड़के की हाल ही में यहाँ नौकरी लगी थी। असल में ये लड़का वहाँ पर एक चीज फैक्ट्री में काम किया करता था, और डेली सुबह अपने घर से बाहर निकलता, अपनी चीज फैक्ट्री में जाता, शाम को अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस अपने घर आता। अब इसको इस फैक्ट्री में जाते हुए सिर्फ 4-5 दिन ही हुए थे, और जब पांचवें दिन सुबह सुबह तैयार हुआ, इसने अपने घर के बाहर खड़ी अपनी गाड़ी उठाई और गाड़ी उठाते ही सीधा अपनी फैक्ट्री के लिए बाहर निकल गया। अब हमारे यहाँ तो क्या सिस्टम है कि अगर हमारे आगे कोई गाड़ी चल रही है और हम उसको साइड में से ओवरटेक करके आगे निकल जाते हैं, लेकिन बाहर के देशों में ट्रैफिक का सिस्टम बहुत बढ़िया है। अगर आप एक लाइन में चल रहे हो तो आप एक ही लाइन में चल सकते हो, चाहे साइड वाली लाइन खाली क्यों ना पड़ी हो और आपकी लाइन में जाम क्यों ना लगा हो, आप ओवरटेक करके साइड में से आगे नहीं जा सकते। दूसरा, अगर आगे वाला रुक गया है तो आपको भी रुकना ही पड़ेगा, चाहे कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो, आप उसको क्रॉस करके आगे नहीं जा सकते। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ यहां भी हुआ था। जेक पैटरसन सुबह सुबह अपनी गाड़ी लेकर घर से बाहर निकला और रास्ते में ही उसको एक स्कूल बस मिल गई, और स्कूल बस उसके आगे आगे चल रही थी, और एक स्टॉप पर आकर स्कूल बस रुकी क्योंकि उसे वहां साइड में से खड़े हुए बच्चों को अपने अंदर बैठाना था। स्कूल बस रुकी, पीछे जेक पैटरसन अपनी गाड़ी लेकर रुका और जस्ट देखने लगा कि कौन कौन बच्चे ऊपर स्कूल बस में चढ़ रहे हैं, और तभी उसका ध्यान एक 13 साल की जेमी क्लॉज नाम की लड़की के ऊपर गया। उसने देखा कि जेमी क्लॉज नाम की लड़की भी इसी बस के अंदर चढ़ रही है, और ये जेमी क्लॉज उसके लिए बिल्कुल अनजान थी। ये पहली बार था जब इस जेमी क्लॉज को देख रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों जेक पैटरसन को जैसे ही जेमी क्लॉज दिखी, इसके मन में लड्डुओं का पहाड़ फूट गया। क्या नजर आ रहा था इसको इसमें, ये आज तक पता नहीं चल पाया, लेकिन हाँ, ये बस उस जेमी क्लॉज को घूरता रहा। वो सीधा अपने स्टॉप से लेकर बस के एंट्रेंस तक आई और सीधा बस के अंदर चढ़ गई, और जस्ट वो बस आगे निकल गई। पीछे पीछे जेक पैटरसन भी चल रहा था, लेकिन अब ये जेमी क्लॉज नाम की लड़की, जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी, ये अब उसकी आंखों में बस चुकी थी, उसके दिल में बस चुकी थी। उसने तुरंत उस बस का टाइम नोट कर लिया अपनी घड़ी में देखकर कि ये टाइम हो चुका है, इस टाइम पर ये बस यहाँ आती है, और इस बस में लड़की अपने घर से बाहर निकलकर स्टॉप पर आती है और स्टॉप से वो बस को पकड़ती है। उसने टाइम नोट कर लिया, अगला दिन आ चुका था। अगले दिन वो फिर से अपनी गाड़ी लेकर अपने सुबह सुबह घर से बाहर निकला, गाड़ी में बैठा, गाड़ी चलाई, और फिर से उसने उस बस के आने का इंतज़ार किया। वो पहले पहुँच चुका था, और जैसे ही बस आई उसने उस बस के पीछे लगा दी, और फिर वही काम हुआ, बस जाकर आगे स्टॉप पर रुकी। स्टॉप पर रुकते ही जेमी क्लॉज और उसके साथ छोटे छोटे 4-5 और बच्चे वहां आए, और जेमी क्लॉज के साथ उसी बस के अंदर चढ़ चुके थे वो। अब देखते ही दोबारा से जेमी क्लॉज को जेक पैटरसन फिर से पागल हो गया। उसका दिमाग फिर से काम नहीं कर रहा था कि क्या करे। एक लड़का जिसका पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, जिसकी इज्जत है पूरे आसपास इलाके में कि हाँ ये लड़का तो बहुत शरीफ है, पढ़ने लिखने वाला है, नौकरी करने वाला है, जिसने आज तक कभी कुछ गलत करने की ट्राई नहीं करी, कोई माल वाल पीकर सेट नहीं हुआ, तो फिर एक लड़के के दिमाग में कैसे ये ख्याल आ गया कि उसने जब दूसरी बार जेमी क्लॉज को देखा तो वो सोच बैठा था कि हाँ यही वो लड़की है जिसकी वो किडनैपिंग करेगा। तो यहाँ जेक ने इस लड़की को किडनैप करने के लिए एक बहुत ही तगड़ा प्लान बनाया। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि असल में जेक पैटरसन का प्लान क्या था। उसने सबसे पहले अपने ही घर में रखी हुई अपने ही बाप की
एक 12 गेज शॉर्ट गन को उठा लिया। जी हाँ, ये शॉर्ट गन जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली शॉर्ट गन आज भी पूरे अमेरिका में मानी जाती है। लगभग वहाँ के हर घर में आपको ये मिल ही जाएगी। और सबसे पहले यहाँ जेक पैटरसन ने अपनी ही बाप की जो 12 गेज की शॉर्ट गन थी इसको उठाया, दूसरा वो सीधा बाहर निकल कर इसके राउंड्स लेकर आया, इसके राउंड्स खरीद कर लेकर आया। राउंड्स वहाँ ऐसे मिलते हैं जैसे आप सब्जी वगैरह खरीद रहे हो, इसी तरह से वहाँ हथियारों की दुकानें हैं। क्या राउंड्स लेने के बाद वो सीधा यहाँ से वॉलमार्ट में गया। वॉलमार्ट में जाकर उसने एक वो जो बंदर टोपी जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर सिर्फ आँख आँख दिखाई देती है, वो खरीदी। और उसके अलावा वो रेजर वगैरह लेकर आया, ग्लव्स वगैरह लेकर आया, सब कुछ उसने काला काला खरीद लिया था। यहाँ से निकलकर वो एक कपड़े की दुकान में गया। कपड़े की दुकान से उसने काली टी शर्ट ली, काली जीन्स ली, काले जूते लिए, और जूते भी उसने आगे से स्टील टॉज वाले लिए थे। आपको पता ही होगा कि आजकल जूतों में जो पंजे होते हैं हमारे, और पंजों में आगे स्टील लगा हुआ आता है ताकि अगर उसके ऊपर हम गाड़ी भी चढ़ा दें तो भी हमारे पैरों को कोई नुकसान नहीं होगा। वही वाले जूते यहाँ जेक पैटरसन ने खरीदे और अब सब कुछ सेट था। वो सीधा घर गया अपने। सबसे पहले जाते ही उसने रेजर से अपना पूरा सर, अपने पूरे दाढ़ी वगैरह, अपने हाथों के बाल वगैरह सब कुछ शेव कर डाले। अब आप कहेंगे कि ये भसड़ इसने क्यों मचाई? तो ये भसड़ इसलिए मची, उसको अंदाजा था कि जब वो इस लड़की का किडनैप करेगा, यानी कि जेमी क्लोज को उठाएगा, तो हो सकता है वहाँ झड़प हो जाए, हो सकता है लोग इकट्ठा हो जाएं, हो सकता है उसको पकड़ लें, और हो भी सकता है कि उसको वहाँ से भागने का मौका मिल जाए। और अगर उसे भागने का मौका मिल गया तो वो वहाँ से भाग जाएगा। लोग उसको पकड़ना चाहेंगे लेकिन वो वहाँ से भाग जाएगा, और लोगों के हाथ उसका कोई भी बाल वगैरह ना लग जाए, उसकी कोई पहचान ना लग जाए, इसलिए उसने अपने सारे बाल ही उड़ा दिए। क्योंकि अगर कोई बाल किसी के हाथ लग जाता तो वो बाल फोरेंसिक रिपोर्ट्स के हिसाब से DNA से मैच हो जाता, क्योंकि अमेरिका में हर बंदे का DNA सरकार के पास है। उसका प्लान कितना सटीक था इसका अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि उसने अपनी इस गाड़ी को भी अलग से तैयार किया। सबसे पहले उसने डिग्गी के अंदर मॉडिफिकेशन करी, डिग्गी को थोड़ा खुला खुला बनाया, क्योंकि उसका प्लान था कि वो किडनैप करके इस लड़की को इस डिग्गी के अंदर ही रखेगा। और दूसरा, यहाँ उसने डिग्गी के अंदर जो लाइट्स लगी हुई थी, आपको भी पता है कि आजकल डिग्गियों में, गाड़ी की जो डिग्गियां होती है उसके अंदर लाइट्स लगी हुई आती हैं, तो यहाँ उसने अपनी डिग्गी की लाइट की तारों को ही काट दिया, क्योंकि अगर कोई चाहता तो भी यहाँ आगे से बटन दबाकर पीछे डिग्गी में लाइट ऑन नहीं कर सकता था, ताकि सब कुछ यहाँ अंधेरे में ही चलता रहे और लड़की को पता ही ना चले कि वो आखिर जागा रही है। दूसरी बात, ना सिर्फ उसने डिग्गी के लाइट्स की तार काट दी थी, बल्कि अपनी गाड़ी की जो हेडलाइट्स थी वहां की भी तार काटी, और पीछे की जो टेल लाइट्स थी वहां की भी तार काट डाली, ताकि गाड़ी पूरी अंधेरे में चले, काली काली दिखे, कोई देख ही ना पाए दूर से कि यहां गाड़ी भी आ रही है। अब सब कुछ सेट था, अब टाइम था इस प्लान को अंजाम देने का। और यहाँ जेक पैटरसन ने अपनी गाड़ी उठाई, वो घर गया जिमी क्लॉज के, और बाहर देखा उसने कि यहाँ तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं पहले से ही, मतलब अंदर कोई गेस्ट वगैरह आए हुए हैं, तो अभी तो जाना ठीक नहीं रहेगा। वो वापस वहाँ से गाड़ी निकाल कर अपने घर ले गया। अगले दिन वो फिर आया अपनी गाड़ी लेकर, और अब की बार देखा उसने कि यहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ अंधेरा अंधेरा है। वो गाड़ी से उतरा, लेकिन उतरते ही उसने देखा कि सामने जो घर है जिमी क्लॉज का, उसके अंदर एकदम से लाइट जल गई है, मतलब अभी लोग जाग रहे हैं। तो वो सीधा वापस अपनी गाड़ी में बैठा और अपनी गाड़ी लेकर वापस अपने घर निकल गया। लेकिन फिर दिन आया 15 अक्टूबर 2018 का। जेक पैटरसन की किस्मत कहें या फिर इस पूरे परिवार के साथ अब जो बहुत भयानक कुछ होने वाला था, उनकी बदकिस्मती कहें, लेकिन अब यहाँ जेक पैटरसन सक्सेसफुल हो गया। टाइम रात के 12 बजे से भी ऊपर का हो चुका था, और यहाँ अब जेक पैटरसन अपने घर से निकला, अपनी गाड़ी उठाई और सीधा यहाँ जिमी क्लॉज के घर के बाहर पहुंच चुका था। उसने देखा कि सारी लाइट्स ऑफ हैं और बाहर कोई गाड़ियां भी नहीं खड़ी हैं। उसने बाहर सीधा अपनी गाड़ी जिमी क्लॉज का जो घर था उसके गेट के जस्ट बाहर पार्क करी, बिल्कुल पास पास में, ज़रा दूर नहीं थी। अब जैसे ही वो गाड़ी वहां पार्क हुई, अंदर जो घर में लोग मौजूद थे, यानी कि जिमी क्लॉज एक अलग कमरे में सोई हुई थी अपने डॉग मॉली के साथ, और इसके अलावा उसके माता पिता दूसरे कमरे में सोए हुए थे अंदर की तरफ। अब बाहर की तरफ कमरा था, वहां तो आवाज़ जानी ही थी और डॉग्स वैसे ही जल्दी सुन लेते हैं आवाज़ को, तो यहाँ वो मॉली जो डॉग था उसने गाड़ी की आवाज सुन ली, और जैसे उसने सुनी वो तुरंत भौंकने लग गया। अब कुत्ते के भौंकने की वजह से जिमी क्लॉज की नींद खुल गई, उसने देखा उठकर कि ये डॉग क्यों भौंक रहा है उनका। वो बाहर की तरफ गई, उसने गेट के साइड में ही बनी छोटी सी खिड़की में झांक कर देखा कि आखिर यहां पर है कौन, ये गाड़ी किसकी है। अब ये गाड़ी यहां उसको जानी पहचानी नहीं लग रही थी, लाइट्स भी ऑफ थी, कोई दिख भी नहीं रहा था, तो वो सीधा अपने मां बाप के कमरे में गई और वहां जाकर बताया कि पापा ऐसे ऐसे एक गाड़ी बाहर आकर रुकी हुई है और हम उसको नहीं जानते हैं वो किसकी है, और हमारा
सारा डॉग भी उसे देखकर भौंक रहा है। उसके पिता की नींद खुली, उसकी माता की भी नींद खुली। उसकी माँ का नाम डिनीस था और यहाँ जिमी क्लॉज के पिता का नाम जेम्स था। जेम्स ने तुरंत अपनी टॉर्च उठाई और टॉर्च उठाकर वो सीधा कॉरिडोर से होते हुए अपने घर के मेन गेट पर आकर खड़ा था। वो भी यहाँ टॉर्च लेकर उसी छोटी सी खिड़की से बाहर की तरफ टॉर्च मार रहा है, लेकिन उसे बाहर कोई गाड़ी में दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ गाड़ी खड़ी हुई ही दिखाई दे रही है। ये चीज देखकर जिमी के पिता जेम्स बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने अपने परिवार को बता दिया कि हो सकता है कोई हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा हो। सामान वगैरह का सीन बाद में देखेंगे, पहले जिमी और डिनीस तुम दोनों किसी बाथरूम में जाकर छुप जाओ और मैं इसे देखता हूँ कि आखिर ये करता क्या है। जिमी और डिनीस दोनों वहाँ से भागी और अपने ही घर के बीच में बने बाथरूम के अंदर जाकर छिप गई और उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जिमी और डिनीस छुप चुकी थी, जेम्स बाहर अपनी टॉर्च से अभी भी बाहर की तरफ देख रहा था, लेकिन तभी उसे दिखा कि वो जो गाड़ी सामने खड़ी है उसमें से एक आदमी जो कि ड्रेस उसने पूरी काली डाली हुई थी वो बाहर निकलता है और सीधा जो घर के बाहर दो तीन सीढ़ियाँ उनकी बनी हुई थी उन सीढ़ियों को चढ़कर दरवाजा उनका खटखटाता है। दरवाजे के दूसरी तरफ यहाँ जेम्स खड़ा ही था टॉर्च लेकर, और जैसे उसने खटखटाहट की आवाज़ सुनी वो वापस अपनी साइड वाली खिड़की में आया। उसने टॉर्च जलाई और टॉर्च को बार बार फ्लैश करने लगा। फ्लैश करते ही यहाँ साइड में मौजूद जेक पैटरसन देख चुका था कि अंदर से लाइट की रोशनी आ रही है और अब सीधा वो भी उसी खिड़की में अंदर की तरफ देखने लगा और लाइट उसके ऊपर सीधा पड़ रही थी और उसने यहाँ आवाज़ सुनी। अंदर से जेम्स ये कहने की कोशिश कर रहा था कि क्या तुम पुलिस वाले हो। जेम्स को लग रहा था कि ये जो आदमी आया है ये पुलिस वाला है और ये अभी उसको अपनी आईडी दिखाएगा। अमेरिका में कोई भी घर के अंदर पुलिस जाती है तो वो पहले अपनी आईडी वगैरह दिखाती है कि हम इस डिपार्टमेंट से हैं और हम आपके घर के अंदर आना चाहते हैं। तो यहाँ जेम्स ने बाहर खड़े आदमी से कहा कि मुझे अपनी आईडी दिखाओ, मुझे अपना बैच दिखाओ कि तुम कौन से पुलिस डिपार्टमेंट से हो और इस टाइम पर हमारे घर में क्यों आ रहे हो। लेकिन यहाँ बाहर खड़ा वो व्यक्ति अपना बैच दिखाने के लिए तैयार नहीं था। बार बार यहाँ जेम्स उसकी तरफ झुक कर पूछ रहा है उस खिड़की से कि अपना बैच दिखाओ मुझे, तभी मैं तुमको अंदर आने दूंगा। और अब की बार जैसे ही जेम्स ने अपनी टॉर्च हटाकर खिड़की की तरफ दोबारा मुंह किया तो उसी तरफ बाहर खड़े जेक पैटरसन ने अपनी शॉटगन उठाई और उसी खिड़की की तरफ तान कर ट्रिगर दबा दिया। अब वो गोली जैसे ही चली वो सीधा जाकर जेम्स के मुंह में लगी, पूरा मुंह उसका छर्रों से भर चुका था और वो वहीं पर ऑन द स्पॉट ही मर चुका था। अब एक गोली के आवाज़ जैसे ही अंदर मौजूद जेमी और उसकी माँ डिनीस ने सुनी जो कि बाथरूम में बंद थी, डिनीस ने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और 911 को कॉल कर दिया। कॉल करते ही यहाँ उसने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ कोई घुस गया है, क्या कोई पुलिस वाला तो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जेम्स और जेक के बीच में जो बातें हो रही थी अंदर मौजूद डिनीस और जिमी ने सुन ली थी। तो यहाँ उसकी माँ यानी कि डिनीस पूछ रही थी 911 वालों से कि यहाँ कोई पुलिस वाला आपने भेजा है क्या, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं इस इलाके में तो हमारी कोई पेट्रोलिंग अभी नहीं चल रही। और तुरंत यहाँ पर डिनीस ने डिस्पैचर को बता दिया कि ऐसे ऐसे यहाँ हमारे यहाँ गोली चली है अभी अभी और कोई हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, आप प्लीज़ तुरंत यहाँ आ जाइए। उन्होंने कहा ठीक है हम अभी आ रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ यहाँ बाहर खड़ा जेक पैटरसन, अब उसका रास्ता क्लियर हो चुका था, एक स्टेप उसने कवर कर लिया था। अब वो गेट जो था उसे वो खोलना था क्योंकि वो छोटी सी खिड़की से तो अंदर घुस नहीं सकता था। अब गेट खोलने के लिए पहले उसने कंधे का इस्तेमाल किया, उसने बार बार कंधे से उस गेट को तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो गेट टूट ही नहीं रहा था, बाहर वाला मेन गेट थोड़ा मजबूत था। जिसके बाद उसने अपनी गोली के ही नाली से उस गेट के लॉक को तोड़ने की कोशिश करी और अब की बार वो सफल हो चुका था। काफ़ी सारी चोट मारने के बाद उसने गोली की नाल को अंदर फंसाया और झटके से तोड़ दिया और गेट अब खुल चुका था। गेट खोलने के बाद वो अंदर घुसा। अंदर घुसते ही उसने सबसे पहले जिमी क्लॉज का कमरा जो कि सबसे पहले आता था उसको देखा, अच्छे से देखा, बेड के नीचे देखा, सब कुछ यहाँ हटा वटा कर सब कुछ अच्छे से तलाशी ली, बाहर निकला। बाहर निकलते ही वो सीधा जिमी क्लॉज के माता पिता के कमरे में गया, वहाँ भी कोई नहीं था। सब कुछ अच्छे से देखने के बाद वो वापस आया, उसने बाकी बचे सारे लिविंग हॉल में किचन में सब कुछ देख लिया। सभी कमरों के दरवाजे खुले हुए थे लेकिन सिर्फ एक का बंद था और वो था बाथरूम। अब यहाँ जेक पैटरसन की नज़र उस बाथरूम की तरफ जा चुकी थी और अब वो उस बाथरूम को खुलवाना चाह रहा था, लेकिन खुलवाता कैसे, अंदर से बंद था और कोई उसके कहने पर वो दरवाज़ा तो खोलने नहीं वाला। अब वो खुद ही यहाँ उस बाथरूम के दरवाजे को फिर से कंधे मार मार कर तोड़ने लग गया, लेकिन वो भी दरवाज़ा थोड़ा सा मजबूत था। और दूसरी बात, यहाँ जिमी और उसकी माँ डिनीस ने बाथरूम के अंदर से ही जो उनका ड्रेसर था, यानी कि जो बाथरूम में उन्होंने ड्रेसर रखा हुआ था बाल वगैरह बहाने के लिए, जो भी तैयार होने के लिए वहाँ लोग रखते हैं, उस ड्रेसर टेबल को खिसका कर उस गेट के पीछे लगा दिया था और अब वो दरवाज़ा तोड़ना और भी मुश्किल हो चुका था। लेकिन यहाँ जेक पैटरसन
कोशिशें करता रहा और दर्जनों कोशिश करने के बाद उसकी कोशिश सफल हो गई। वो जो दरवाजा था वो ऊपर से टूट चुका था, आधा नीचे से अभी भी पैक ही था। क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे वो ड्रेसर लगा हुआ था और वो उसकी सपोर्ट बन चुका था, इसी वजह से वो दरवाजा नीचे से नहीं टूटा, लेकिन आधा टूट चुका था। उसने ऊपर से हाथ दिया और नीचे से कुंडी को खोला और अब वो दरवाजा बाहर की तरफ भी खुल चुका था। अब जैसे ही ये बंदा बाथरूम में घुसा तो डेनिस और जेमी को लग रहा था कि उनके पिता भी तो उनको बचाने के लिए जरूर आएंगे, लेकिन उनके पिता अभी तक इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। वो वापस कैसे आते उनको बचाने के लिए? ये बंदा अंदर घुसा, उसने ड्रेसर को हटाया, अंदर जाकर उसने देखा बाथरूम में कि जो टब होता है बाथरूम का, उसके बाहर जो पर्दे लगे होते हैं उस पर्दे को हटाया और पर्दे के दूसरी तरफ जेमी अपनी माँ को हक करके टब के अंदर ही बैठी हुई थी। अब जैसे ही ये चीज़ जेक पैटरसन ने देखी, उसने अपनी बंदूक को साइड में रखा और अपनी जेब में रखी हुई डक्ट टेप को निकाला और उस टेप से जेमी की माँ डिनीस के मुंह को लपेटना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसकी माँ इस चीज़ का विरोध कर रही थी, जेमी खुद इस चीज़ का विरोध कर रही थी। डिनीस का चेहरा बंद करने के बाद उसने डक्ट टेप से फिर यहाँ जेमी के हाथों को पकड़कर बांध दिया। बांधते ही यहाँ तीनों एक दूसरे का विरोध कर रहे थे, लेकिन इसी विरोध को चुप करवाने के लिए और जेमी के मन में डर बैठाने के लिए जेक पैटरसन ने फिर से अपनी वो बंदूक उठाई और अब की बार डिनीस यानी कि जेमी की माँ के तरफ उसको ताना और ट्रिगर दबा दिया। ट्रिगर दबाते ही पूरा मुंह छर्रों से और गोलियों से भर चुका था जेमी की माँ डिनीस का। मौके पर ही यहाँ डिनीस की मौत हो चुकी थी, दो मर्डर अभी यहाँ हो चुके थे। तुरंत यहाँ जेमी को पकड़कर जेक पैटरसन ने उस टब से बाहर निकाला, अपने साथ घसीटना स्टार्ट किया। जेमी आने के लिए तैयार नहीं थी, वो बार बार मना कर रही थी। उसको चुप करवाने के लिए उसने साइड में ही यहाँ जेमी को खड़ा किया और कहा, देखो मैंने तुम्हारी माँ का भी क्या हाल किया है, तुम्हारे पिता का भी क्या हाल किया है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा ये हाल ना करूं, तो चुपचाप मेरे साथ चलो। जेमी बेचारी क्या करती, 13 साल की बच्ची, वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और उसके पास इस आदमी की बात मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। उसने तुरंत कोऑपरेशन दिखाना स्टार्ट कर दिया, बेचारी को रोने का भी मौका नहीं मिला अपने माँ बाप की मौत पर। जेमी को जेक खींच कर उस घर से बाहर लेकर आया, अपनी गाड़ी की डिग्गी को उसने पहले ही खोल कर रखा हुआ था, डिग्गी को ऊपर उठाया और जेमी को अंदर लेटाकर डिग्गी को अब बंद कर दिया और अब ये गाड़ी यहाँ से निकल चुकी थी। अब आप सोच कर देखिए, यहाँ मैं आपको बताऊं, गाड़ी की हेडलाइट और टेललाइट दोनों बंद, गाड़ी अंधेरे में चले जा रही है हाईवे पर। और जैसे ही ये गाड़ी इसने जा रही थी, बाद में यहाँ जेक ने ही बताया कि जब मैं उस घर से बाहर निकला था अपनी गाड़ी लेकर, तो हाईवे पर से मुझे काफ़ी सारी पुलिस की गाड़ियाँ इसी घर की तरफ आती हुई दिखाई दे रही थी और मैं इन गाड़ियों के बीच में से ही निकला था। और जब पुलिस वालों से पूछा गया तो उन्होंने भी बताया कि हाँ, उस रात हमने एक फोर्ड टॉरस को जाते हुए देखा था और उसकी हेडलाइट और टेल लाइट बनती, हमने उसे पूछने की भी कोशिश करी, लेकिन उस टाइम पर हम जल्दी में थे तो हम वहाँ रुके नहीं, हम जस्ट उसको डीपर मारकर वहाँ से साइड में से निकल गए। जेमी को कोई आइडिया नहीं था कि जेक उसे यानी कि उसका किडनैपर उसे कहाँ लेकर जा रहा है। उस रात 70 किलोमीटर तकरीबन गाड़ी चलाई यहाँ जेक पैटरसन ने और उस शहर से बाहर अपने घर पर लेकर आया जेमी को। जेमी को नहीं पता था कि वो कहाँ आ चुकी है। उसके घर पर पहुँचने के बाद उस रात ही यहाँ डिग्गी को खोला, डिग्गी को खोलते ही यहाँ उसने जेमी को बाहर निकाला, अपने घर के अंदर लेकर गया। और कमाल की बात तो देखिए, वो अपने घर में यहाँ अकेला ही रह रहा था और अकेले रहते हुए ही उसने अपने बेड के नीचे पूरे इंतज़ाम किए हुए थे कि जेमी को जैसे ही वो लेके आएगा और उस बेड के नीचे यहाँ उसने बैरिकेडिंग वगैरह की हुई थी सामान की, और नीचे गद्दा लगाया हुआ था, कंबल वगैरह लगाया हुआ था और इसी बेड के नीचे वो जेमी को अब रखने वाला था। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि अब ये जो बंकर बना हुआ था जेमी के लिए, यही बंकर और यही गद्दा अब घर होने वाला था आने वाले 3 महीनों के लिए एक 13 साल की बच्ची का? सोच कर देखिए, उस बंकर बेड से उसे सिर्फ बाथरूम वगैरह जाने के लिए ही बाहर निकाला जाता था और वो भी पहरा रहता था जेक पैटरसन का। दूसरी तरफ यहाँ जैसे ही पुलिस उस घर पहुंची, पुलिस को तुरंत देखा कि यहाँ अंदर 2 लाशें पड़ी हैं, एक भयंकर कांड यहाँ हुआ है और ये कांड करने वाला यहाँ भसड़ मचाकर भाग चुका है। अब उनको ये ढूंढना है कि जेमी कहाँ है और ये कांड आखिर किसने किया है। पुलिस ने बड़े पैमाने पर एक सर्च अभियान यहाँ चलाया कि आखिर कौन हो सकता है ये कांड करने वाला। पुलिस को लग रहा था कि ये कांड हुआ है तो कोई मोटिव तो होगा, जिसके पास होगा वही तो ये 2 मर्डर करेगा और बच्ची को किडनैप करके लेके जाएगा। लेकिन पुलिस
इसको कहीं से कोई दुश्मन ही नहीं लग रहा था इस परिवार का। पुलिस ने अच्छे से कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले, पुलिस ने अच्छे से दोस्तों से बातें करी, लेकिन नहीं, पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला कि ये कांड आखिर कौन कर सकता है। स्टार्टिंग में ये केस बहुत ज्यादा उछला, लेकिन धीरे 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 कर सभी ने उम्मीद छोड़ दी कि जेमी कभी वापस लौट कर आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे केसेस मैंने भी आपको बताए हैं और लगभग हर केस में ही ऐसा होता है कि कोई भी किडनैपर या फिर कोई भी हत्यारा अगर एक बंदे को किडनैप करके अपने साथ लेकर जाता है तो वो उसे ले जाते ही या तो मार डालता है या फिर कुछ टाइम तक उसका इस्तेमाल करने के बाद भी मार ही डालता है। एंड में उसका मरना पक्का है। अगर कोई विक्टिम यहाँ किसी केस में बच जाता है तो वो बहुत बहुत ज़्यादा रेयर सीन माना जाएगा। घर के अंदर ले जाते ही जेमी के सबसे पहले तो कपड़े निकलवाए गए और उन कपड़ों के साथ साथ जो बंदूक वो अपने साथ लेकर गया था, और ना सिर्फ उस बंदूक को बल्कि जो खुद उसने कपड़े पहने हुए थे जेक पैटरसन ने, वो टी शर्ट, वो जीन्स, वो काले जूते, वो काला मास्क वगैरह, वो सब कुछ उसने आग के हवाले कर दिया। बंदूक का बट भी जल चुका था, सिर्फ नाल नाल रह रही थी और वो नाल उसने खोद कर अपने ही घर के साइड में जमीन के अंदर दफना दी। सब कुछ वो सबूत मिटाना चाहता था कि ये काम उसने किया है। वो अपने नॉर्मल कपड़ों में आ गया और उसने जेमी को भी पहनने के लिए अपनी ही बहन के पजामा और टी शर्ट वगैरह दे दी और कहा कि ये पहनो, बाहर बर्फ पड़ रही है, इतनी ठंड है, और अंदर बेचारी लड़की ठंड में 88 दिनों तक अब इन पजामा और टी शर्ट्स में ही रहने वाली थी। यहाँ पहले रात से ही जेमी को समझा दिया गया था जेक पैटरसन द्वारा कि अगर तुमने इस घर से भागने की कोशिश करी, इस बेड से बाहर निकलने की कोशिश करी मुझे बिना बताए, तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अब जेमी जो कि पहले ही देख चुकी है कि उसके पिता और उसकी माता का मर्डर उसके सामने ही हुआ है, तो वो इस आदमी से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। एक 13 साल की बच्ची, उसके दिमाग में क्या ही होगा, डर चुकी थी वो। और डरते डरते उसने जेक पैटरसन की हाँ में हाँ मिला दिया और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे कहे में ही चलूंगी, तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन यहाँ एक दो दिन तक रहने के बाद ही इस बेड के नीचे जेमी को ये एहसास होने लगा कि ये उसका किडनैपर यानी कि ये हत्यारा, उसके माता पिता का ये हत्यारा उसे इग्नोर कर रहा है। जी हाँ, एक दो दिन तक तो शौक था, उसके साथ बैठ कर बातें करता, नीचे बेड में ही घुस जाता वो खुद भी उसके साथ ही, और ऑब्वियसली यहाँ बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देता। खैर, ये काम करने के बाद वो उसे इग्नोर करने लगा और यहाँ जेमी को एहसास होने लगा था कि वो उसे बातें भी नहीं कर रहा, उसको कुछ बता नहीं रहा, जस्ट आता है अपने कमरे में और उसके ऊपर वाले बेड पर ही सो जाता है और खाना पीना खाता है, कुछ खाना बचता है तो उसे दे देता है, वरना उसे बात तक नहीं करता, और ये अब उसे इग्नोर कर रहा है। उसने एक दूसरी शॉटगन भी खरीद ली थी और वो शॉटगन हमेशा वो अपने घर के कोने में सजा कर रखता, क्योंकि 2 हफ्तों तक यहाँ जेक पैटरसन को डर था कि उसने जो कांड किया है ये बहुत ज़्यादा हाइप मचाएगा, और हाइप मचाएगा तो पुलिस और ज़्यादा गहराई से इसकी जाँच करेगी और कभी भी वो अंदर आ सकती है, और अगर वो कोई भी मुझे जाँचने के लिए अंदर आया तो मैं उस शॉटगन से उसको अभी उड़ा दूंगा, यहाँ उसका ये प्लान था। लेकिन 2 हफ्ते बीतने के बाद उसे महसूस होने लगा कि अभी तक यहाँ कोई नहीं आया और अब ये केस भी धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा है, मतलब मैं एक परफेक्ट क्राइम कर चुका हूँ और मुझे अब इसमें कोई नहीं ढूंढ सकता। कुछ और टाइम बीता तो यहाँ जेक पैटरसन के दोस्त इस कमरे में आने लगे, लेकिन उनको नहीं पता था कि इस बेड के नीचे एक लड़की को छुपाया गया है, और वो भी वो लड़की जिसकी खबर पूरे शहर में, पूरे राज्य में बहुत ज़्यादा फैल रही थी। अब उस लड़की की बातें भी यहाँ आकर इस घर के अंदर डिस्कस होती, दोस्त बैठे आपस में तो वो डिस्कस करते कि ऐसे ऐसे उस लड़की का कुछ पता नहीं चला, वो कहाँ गई, उसके माँ बाप को भी मार दिया गया, जबकि बराबर में ही मौजूद बेड के नीचे लेटी हुई जेमी अपनी ही बातें सुन रही थी, लेकिन वो डरी हुई थी, वो कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि यहाँ जेक ने उसे समझा दिया था कि मेरे घर में जो भी दोस्त वगैरह मुझसे मिलने आए उनके सामने अगर तुम्हारी चूँ की भी आवाज़ आई तो मैं सामने रखी हुई गोली सीधा तुम्हारे खोपड़ी में उतार दूंगा। बेचारी रोती रहती, अंदर से टूटती रहती, अपने माँ बाप को याद कर करके, उसका पूरा परिवार अब खत्म हो चुका था, आगे वो क्या करने वाली थी उसे कोई आइडिया नहीं था। यहाँ जेक ने खुद तो घर से बाहर निकलना बंद ही कर दिया था, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट तो हो चुका था कि वो अब इस केस में बच चुका है और उसको कोई नहीं पकड़ने वाला, जेमी जो है वो उसकी हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी थोड़ा बहुत डरा हुआ था कि वो घर से बाहर निकले और जेमी कहीं बाहर भाग जाए तो ठीक नहीं होगा, उसका भांडा फूट सकता है। वो घर के अंदर ही रहने लगा 24 घंटे, घर के बराबर में ही ग्रोसरी स्टोर था, वो ग्रोसरी स्टोर से सामान वगैरह मंगवा लेता अपना और बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। 3 महीने बीतने वाले थे, 88 दिन हो चुके थे, और जैसे ही 88वां दिन इस कांड को हुआ तो अब तक घर में बैठे बैठे जेक पैटरसन बोर हो चुका था। वो जेमी से भी लगभग ना के बराबर ही बात करता, जेमी नीचे पड़ी रहती वो ऊपर पड़ा रहता और जस्ट जेमी को इग्नोर करता रहता। 88वें दिन यहाँ उसने सोचा कि क्यों ना वो जॉब करे,
और सुबह उठते ही उसके मन में ख्याल आया कि उसको किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अब उसके पास पैसा खत्म होता जा रहा है। उसने अपना रिज्यूमे तैयार किया, रिज्यूमे में अपना नाम, बाप का नाम सब कुछ लिखा, क्या किया हुआ है इसने वो लिखा, और उसने स्किल्स में लिखा कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी सीख जाता है, वो एक ऑनेस्ट वर्किंग गाय है, और सब कुछ उसने अपने बारे में अच्छा लिखकर एक कंपनी के पास वो भेज दिया। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि उसी कंपनी ने उसी दिन इंटरव्यू रखा हुआ था और इस जेक पैटरसन को भी इंटरव्यू के लिए सेम डे ही बुला लिया। अब यहाँ जेक पैटरसन को विश्वास हो चुका था कि जेमी तो यहाँ से भाग ही नहीं सकती, वो कहीं जा ही नहीं सकती। उसने इंटरव्यू पर जाने से पहले भी जेमी को समझा दिया था कि मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, थोड़ी देर में ही आ जाऊँगा, और तुमने अगर भागने की कोशिश करी तो अपना हिसाब लगा लेना। जेमी ने कहा ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब वो तैयार होकर जेक पैटरसन फॉर्मल ड्रेस वगैरह डालकर बाहर निकला, अपनी फोर्ड टॉरस गाड़ी उठाई और सीधा इंटरव्यू देने के लिए निकल गया। और यही मौका था उस 13 साल की लड़की के पास इस जेल से बाहर निकलने का। उसने अपने साइड में जो बैरिकेटिंग की हुई थी, वेट्स वगैरह रखे हुए थे, डब्बे वगैरह रखे हुए थे, सभी को बाहर फेंका, और इधर उधर फेंकते ही वो खुद बाहर निकली। उसके जो कपड़े थे वो बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे, साइड में ही नए कपड़े रखे हुए थे जेक पैटरसन के खुद के। उसने वो बड़े बड़े कपड़े डाले, उसे पता था कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, उसने जूते भी डाल लिए। और कमाल की बात देखिए, 13 साल की बच्ची एक 20-22 साल के लड़के के जूते डाल रही थी, और वो बहुत ज़्यादा बड़े थे, लेकिन फिर भी उसने वो फंसा लिए। फंसाते ही यहाँ उसने जैकेट वगैरह जो थी वो सब कुछ बड़ा बड़ा डाला और घर से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसने देखा कि सामने ही एक महिला अपने डॉग को घुमा रही है, और वो सीधा जेमी उसी महिला की तरफ भागने लगी। उस महिला ने देखा कि एक लड़की उसकी तरफ भागती हुई आ रही है, उसे समझ नहीं आया कि एक लड़की है लड़का है। लेकिन जैसे ही वो जेमी उस महिला के पास पहुंची, उसको अपने बारे में सब कुछ बताया कि मैं ऐसे ऐसे जेमी हूं और मेरा किडनैप हुआ था 3 महीने पहले, मेरे माँ बाप को मार दिया गया है और मैं 3 महीने से इसी घर में रह रही हूं, और आप प्लीज़ मेरी मदद करिए, जो मेरा किडनैपर है वो अभी थोड़ी देर के लिए घर से बाहर गया है, वो कभी भी आ सकता है। ये चीज़ सुनते ही वो महिला हैरान हो गई, उसने खबर पढ़ी थी और वो सामने देख रही थी अब असली जेमी को। जेमी से मिलते ही वो सीधा बराबर में ही मौजूद अपने ही पड़ोसियों के घर गई और पड़ोसियों को जाकर पूरा मैटर समझाया कि जेमी है, ये वही जेमी है जो 3 महीने पहले किडनैप हुई थी, इसके माँ बाप का मर्डर हुआ था और ये अब हमारे पास मदद मांगने के लिए आई है, और इसे किसी और ने नहीं बल्कि जेक पैटरसन जो कि हमारा पड़ोसी है उसने ही किडनैप करके अपने पास रखा हुआ था। ये चीज़ सुनकर बराबर वाले पड़ोसी और ज़्यादा हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत यहाँ जेमी को वहीं पास में बैठाया और अपने ही घर के मेंबर्स जो थे उनके, वो अपनी गन्स को लेकर घर के बाहर खड़े हो गए। पूरे सिक्योरिटी गार्ड्स बनकर तैयार थे वो, क्योंकि उनको लग रहा था कि जेक पैटरसन हो सकता है ढूंढते ढूंढते जेमी को यहाँ आएगा और जेमी की जान को अब खतरा हो सकता है। वो यहाँ घर को बाहर से गार्ड कर रहे थे, जेमी और वो औरत अंदर मौजूद खाना पीना खा रहे थे, जेमी को रिलैक्स कर रहे थे, और इतने में ही उन्होंने 911 को भी कॉल कर दिया था। पुलिस मौके पर पहुंची, उन्होंने जेमी को देखा और जेमी की हालत देखते ही वो समझ चुके थे कि इसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। जेमी को समझाया गया और पूछा गया कि बताओ सब कुछ क्या है। जेमी ने जेक पैटरसन के बारे में बताया और कैसे कैसे कांड हुआ था वो सब कुछ बताया। पुलिस को पता था कि जेक पैटरसन कहीं और तो जाने से रहा, आएगा तो अपने घर ही, लेकिन अपने घर के बाहर पुलिस वाली गाड़ियां खड़ी देखकर वो हो सकता है दूर से ही मुड़ जाए और हमें उसको पकड़ने में मेहनत और ज़्यादा करनी पड़े। तो यहाँ पुलिस वालों ने अपनी सारी गाड़ियों को भेज दिया और सिविल ड्रेस में उसके घर के आसपास घूमने लगे। जैसा कि पता था, जेक पैटरसन इंटरव्यू देकर 2 घंटों में वापस अपने घर आ चुका था। उसने अपनी फोर्ड टॉरस को घर के ड्राइववे में पार्क किया, बाहर निकला, और बाहर निकलते ही उसने देखा कि पीछे से काफी सारे लोग उसकी तरफ ही चलते हुए आ रहे हैं। वो लोग कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले ही थे। जेक पैटरसन को तुरंत ही झप लिया गया, झपते ही उसे पुलिस स्टेशन लेकर आया गया, और उसने एक मिनट का भी टाइम नहीं लिया अपने किए हुए कांड को कबूल करने में। उसने तुरंत बता दिया कि हाँ, मैंने ही किया है, मैंने ही जेमी को किडनैप किया था, मैंने ही उसके माता पिता का मर्डर किया है, और तुरंत उसको कोर्ट में पेश किया गया। और उसका ट्रायल यहाँ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, क्राइम किया है, क्राइम एक्सेप्ट हो चुका था, सब कुछ प्रूफ सामने थे। कोर्ट ने यहाँ उसे पहले ही ट्रायल में उम्र कैद की सजा सुना दी, वो भी बिना पैरोल के, मतलब वो अपनी अंतिम सांस तक इसी जेल में सड़कर मर जाएगा। ये केस तो यहाँ खत्म हो गया, लेकिन मेरे मन में एक सवाल छूट गया, और वो सवाल आपके मन में भी होगा, और वो है मोटिव। इस तरह के केसेस आमतौर पर नहीं देखने को मिलते, क्योंकि यहाँ मैंने जितने भी क्राइम आज तक देखे हैं, कवर किए हैं, मैं इनसे बहुत ज़्यादा जुड़ा रहता हूँ इन केसेस से, तो मुझे हमेशा यही पता लगता है कि कोई कांड होता है तो उसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी होती है। कोई दुश्मनाई हो, कोई प्यार में धोखा हो, कोई चोरी चकारी करना हो, लूटना हो,
कुछ भी करना हो, कोई कांड करना हो, तो पीछे एक बहुत लंबी कहानी होती है। लेकिन इस केस में कोई कहानी नहीं थी, इस कांड में कोई बैक स्टोरी नहीं थी। जस्ट एक लड़के ने जो कि अपनी जस्ट एक लड़का जो कि अपनी जॉब पर जा रहा था और उसने एक बस में लड़की को चढ़ते हुए देखा, उसको वो पसंद आई और जाकर उसके माँ बाप को मार कर उस लड़की को उठा लिया। ये मोटिव मुझे थोड़ा हैरान कर रहा है कि एक लड़का इतना ऑब्सेस्ड हो सकता है एक लड़की से कि उसको उठाने के लिए, उसको पाने के लिए वो उसके माँ बाप को मार देगा, और वो भी इतने भयंकर तरीके से लड़की के सामने ही। मेरे ख्याल से नहीं। अपने इस बात को प्रूव करने के लिए यहाँ जेक पैटरसन ने जेल में रहते हुए ही लेटर लिखा जेमी को कि मेरा विश्वास करो, मुझे तुम जस्ट पसंद थी तो मैंने तुम्हारे साथ ये किया, मैंने तुम्हारे माँ बाप को मार डाला। इसके अलावा मेरा कोई मोटिव नहीं था कि मैं कुछ करूँ, मेरी कोई प्री प्लानिंग नहीं थी। मैं तुम्हें कांड करने से सिर्फ कुछ दिनों पहले से ही जानता हूँ कि तुम ऐसे ऐसे बस में चढ़ती हो और कुछ नहीं, देखते ही तुम पसंद आ गई थी और ज़्यादा इसमें यहाँ कुछ नहीं था। ये कहानी थी जेमी क्लॉज की और उसके 88 दिनों के नर्क की। क्यों? क्योंकि यहाँ वो ठंड के अंदर एक पतले से कंबल में, बाहर बर्फ़ पड़ी हुई है और वो अंदर पतले से कंबल में उस बेड के नीचे पड़ी रहती, साइड में बैरिगेट से उसको जस्ट बाथरूम वगैरह जाने के लिए ही बाहर निकाला जाता। सोच कर देखिए कितना भयंकर कांड यहाँ हुआ था। आपको इस केस के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आकर जरूर बताएं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी मैं इसी तरह के केसेस को छोटे फॉर्मेट में रील्स में डालता हूँ, तो आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपके हाथ से क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट हितेश शर्मा को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।